दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने शुक्रवार यानी 18 सितंबर को अपने प्ले स्टोर से भारत के सबसे लोकप्रिय एप्लीकेशन पेटीएम को हटा दिया था। हालांकि करीब 4 घंटे बाद ही प्ले स्टोर पर पेटीएम को रिस्टोर कर दिया गया। इस दौरान न जाने कितने पेटीएम यूजर्स के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। इतना ही नहीं, न जाने कितने यूजर्स ने डर की वजह से पेटीएम को डिलीट तक कर दिया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर गूगल ने अपने प्ले स्टोर से पेटीएम को क्यों हटाया था और आखिर कुछ घंटे बाद ही पेटीएम को दोबारा से गूगल प्ले स्टोर पर क्यों रिस्टोर कर दिया गया। दरअसल गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम ऐप पर गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने का आरोप लगाते हुए ऐप को प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। गूगल प्ले स्टोर का कहना था कि वो गैम्बलिंग ऐप का सपोर्ट नहीं करता है और जुए से जुड़ी उसकी नीतियों का उल्लंघन करने की वजह से पेटीएम को हटाया गया था। वहीं इसकी जानकारी पेटीएम ने देते हुए कहा था कि उसका एंड्रॉयड ऐप नए डाउनलोड या अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर पर अस्थायी तौर पर उपलब्ध नहीं है, हम जल्द ही वापसी करेंगे। कंपनी ने यूजर्स से कहा था कि आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप पेटीएम ऐप को सामान्य तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि हम ऑनलाइन कैसीनो की अनुमति नहीं देते हैं या खेलों में सट्टेबाजी की सुविधा देने वाले किसी भी अनियमित जुआ ऐप का समर्थन नहीं करते हैं। इसमें वे ऐप शामिल हैं जो ग्राहकों को किसी ऐसी बाहरी वेबसाइट पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं जो धनराशि लेकर खेलों में पैसा या नगद पुरस्कार जीतने का मौका देती है। ये हमारी नीतियों का उल्लंघन है। ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि ये नीतियां उपयोगकर्ताओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए है। हालांकि गूगल प्ले स्टोर से बैन होने के महज 4 घंटे बाद ही पेटीएम की प्ले स्टोर पर दोबारा वापसी हो गई। वहीं पेटीएम ने बताया था कि हाल ही में कंज्यूमर ऐप पर पेटीएम क्रिकेट लीग को लॉन्च किया था। ये गेम ग्राहकों को क्रिकेट के प्रति जुनून में इंगेज होने और कैशबैक जीतने के लिए था। इस गेम के जरिए यूजर्स हर ट्रांजैक्शन के लिए खिलाड़ियों के स्टिकर्स प्राप्त करते हैं, इसे कलेक्ट करने के बाद उसे कैशबैक मिलता है। पेटीएम के संस्थापक विजय शर्मा ने कहा कि कंपनी गूगल की आपत्तियों पर अमल करते हुए कैशबैक देने वाले स्क्रैच कार्ड को पहले ही हटा चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के इस कदम से विजय शेखर शर्मा बेहद नाराज हैं। उनका आरोप है कि गूगल ने अपने पेमेंट बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने दबदबे का दुरुपयोग किया है और अनुचित तरीके से ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।